अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, मैं आपकी फरमाइश पर, आपके कमेंट पर मैं ये लाई हूँ। और ये देखिए, ये कैसे बना है, इसका मेजरमेंट आपको मैं बता दे रही हूँ। ये आप सभी को पता है कि ये खोइछा दानी है। तो ये देखिए, यहाँ से जो तीन फंदा से हम बनाए हैं, तीन फंदा यहाँ पे डाले हैं और ये दो पार्ट करके बनाया गया है। और यहाँ से ये पट्टी 10 फंदा का है और यहाँ तक हम 70 फंदा बढ़ाए हैं तीन फंदा से। हर सलाई में इधर से किनारे से फंदा बढ़ेगा और इधर में ये मोती लगाया गया है और इधर में देखिए एकदम प्लेन है। और यहाँ पे ये जीप लगा दिया गया है और इसमें आपका जो भी आप रखिएगा वो रहेगा, आपके पर्स के भी तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हम इसे खोइछा दानी बोलते हैं। ये वही है और इसमें बाद में ये जो मोती लगाया गया है, देखिए 10-10 मोती करके ये हम लगाए हैं दो लाइन। तो इसे हम देखिए, इस पे हम तीन फंदा डाल दे रहे हैं और हम ये मोती से आपको बता दे रहे हैं, ये मोती अभी मेरे पास नहीं है तो इसमें हम सिर्फ तीन फंदा डालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे किस तरह से लगा दे रहे हैं, ये तीन फंदा हमने डाला है, उसके बाद पांच, उसके बाद सात, अब देखिए ये 9 फंदा होगा। हर सलाई में ये फंदा बढ़ेगा, आपको ये जितना बड़ा बनाना हो आप इस हिसाब से बनाइएगा। ये 70 फंदा है और आपको बड़ा बनाना है तो आप और ज़्यादा फंदा बढ़ा सकती हैं। तो देखिए हम इसे ये हो गया और यहाँ पे देखिए ये 4 फंदा है और देखिए ये 3 फंदा इधर है, एक फंदा और बढ़ेगा तो 4 फंदा हो जाएगा। और ये बीच वाला फंदा में हम ये हम इस तरह से मोती, एक मोती अभी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से लगेगा ये मोती और ये फंदा इस तरह से बढ़ जाएगा। और देखिए इधर से हम सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, आप इसी तरह से बुनाई कीजिएगा। और हर सलाई में एक एक मोती लगता जाएगा दोनों तरफ, उसके बाद फिर 4 सलाई बुनिएगा तो आपको फिर से ये वाला शुरू कीजिएगा, फिर 4 सलाई के बाद ये शुरू कीजिएगा, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। देखिए हम फिर से फंदा बढ़ा दें और फिर ये उल्टा। और ये फिर इस तरह से बुन लेंगे और यहाँ पे अब हम एक मोती लगाएंगे, देखिए, और फिर यहाँ पे एक मोती, सॉरी ये हम फंदा इस तरह से सिर्फ बगैर मोती के ही बुनेंगे और यहाँ पे हम एक मोती लगाएंगे। देखिए आपका ये मोती जो है इधर में जाएगा, फिर 4 सलाई बुनिएगा तो आपको फिर ये शुरू करना पड़ेगा और ये मोती चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। देखिए और जाते जाते यहाँ तक आएगा तो सिर्फ 4 मोती आपको लगाना होगा। देखिए हर सलाई में आपको इधर से फंदा बढ़ाना होगा। तो देखिए हम इस तरह से सीधे की तरफ से हैं और ये फंदा देखिए यहाँ पे हम मोती लगाएंगे और देखिए बीच में 2 3
चार, पाँच और छः, और फिर यहाँ पे एक मोती लगेगा। देखिए बीच में दो, चार, छः फंदा है, अब आपका सात फंदा हो जाएगा। इसी तरह से ये अंदर में फंदा बढ़ता जाएगा। अब आइएगा तो जब सात फंदा होगा तो तीन फंदा इधर और तीन फंदा इधर छोड़ के बीच में एक मोती, देखिए ये वाला लगाइएगा। और किनारे में हर सलाई में आपका फंदा बढ़ता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया और ये दो, तीन, चार फंदा बुनने के बाद यहाँ पे मोती लगेगा। अब देखिए एक, दो, यहाँ पे तीन फंदा हो गया तो ये बीच वाले में हम मोती लगा देंगे। और एक, दो, तीन, अब ये चौथे में फिर से हम मोती लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। देखिए अब ये मोती हम यहाँ पे फिर एक यहाँ और एक यहाँ मोती लगाएंगे तो इस तरह से आएगा। देखिए इसमें दो, तीन और ये चार, और यहाँ पे मोती लगेगा। फिर एक, दो और यहाँ पे मोती लगेगा। फिर ये इस तरह से बुन लेंगे और यहाँ पे मोती लगेगा। देखिए ये इसी तरह से बढ़ेगा जिस तरह से ये है। और किनारे में आप कोई भी लटकन लगा सकते हैं, या पम्पम लगाएं, या रेशम का कोई भी झालर लगाएं, या ऊन का ही झालर लगाएं। तो दोस्तों आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और आप इसी तरह से अपना खोलछादानी बढ़ाते जाइए।